अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो वेलकम है आप सभी का न्यू अनदर वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है और इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और कोशिश करना कि हर मदर तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सी सेक्शन स्कार को लेकर है। क्या मेरा स्कार वर्टिकल था या हॉरिजॉन्टल था जो था उसके बारे में, और सी सेक्शन क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था, और क्या क्या एहतियात मतलब इम्पोर्टेंस हमें अपनी प्रेगनेंसी को देनी है और कितना केयरफुल रहना है, क्या है वो सभी आज इस वीडियो में जानना है हमें। तो वीडियो पूरी देखिएगा और अपनी जो भी राय होगी, कमेंट होंगे, वो मेरी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये रिपोर्ट है जो मुझे डिस्चार्ज मिला था। तो मेरी ये सी सेक्शन डिलीवरी थी, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये बर्थ सर्टिफिकेट है और यहाँ पर देखिए मैंने नॉर्मल डिलीवरी की है या फिर सी सेक्शन। तो यहाँ पर मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ है, मैं विद प्रूफ आप लोगों को बता रही हूँ। ये 3 मार्च को डिलीवर हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ भी बता रही हूँ। या फिर डिलीवरी देखिए सी सेक्शन है, 5:55 यानी 5:55 को डिलीवर हुए हैं मेल बेबी। तो इट्स अ बॉय और यह बेबी बॉय की बर्थ सर्टिफिकेट और ये डिस्चार्ज रिपोर्ट है आपको बता रही हूँ। और चलिए आज इसकी वीडियो की जो टॉपिक है उसके बारे में। तो मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, सब कुछ नॉर्मल था। आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेबी, यहाँ पर सिंगल लाइव इंस्ट्रक्शन फीटस नोटेड। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिफिलिंग, बेबी का हेड डाउन पोजीशन था। तो फिर क्यों हुआ सी सेक्शन, फीटल कार्डिक एक्टिविटी मोमेंट आर नॉर्मल। तो बेबी अच्छा सा मूव कर रहा था, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। तो फिर क्यों हुआ सी सेक्शन, तो प्लेसेंटा इज एंटीरियर अपर सेगमेंट। तो प्लेसेंटा भी अपर सेगमेंट है, लोअर नहीं है, लो लाइन नहीं है। तो फिर क्यों हुआ सी सेक्शन, लिकोरिया क्वान्टिटी इज लेस 5 AFI 5 CMS। फिर क्यों हुआ सी सेक्शन, यहाँ पर फीटल एनोमलाइज नोटेड। तो यहाँ पर चलिए बता दूँ मैं, मेरी जो स्कैनिंग में ये प्रेगनेंसी की जो मेरी एज है 38 weeks 2 days जेस्टेशनल एज ऑफ विथ सिफेलिक प्रेजेंटेशन विथ, यहाँ बेबी हेड डाउन पोजीशन में है, एंटीरियर प्लेसेंटा, इट्स अ बॉय फिर भी बता रही हूँ इट्स अ बॉय। तो एंटीरियर प्लेसेंटा था, सिफेलिक प्रेजेंटेशन थी, खून की कमी तो नहीं थी बिकॉज 11 point something था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 11 point above था याद है। प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ जा रही थी, सब कुछ ओके था। फिर क्यों हुआ सी सेक्शन, क्यों, तो इसी रिपोर्ट में है वो क्यों है, आप कमेंट करना। तब तक मैं बता रही हूँ, तब तक देखते हैं कौन फर्स्ट गेस कर पाता है कि क्या रीज़न था। और यहाँ पर ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जब तक मैं कुछ बता रही हूँ तब तक आप कमेंट कर बताना है, देखते हैं किसका कमेंट मुझे फर्स्ट रिसीव होता है। तो यहाँ पर देखिए रीज़न इज़ ये पानी की कमी। तो आप अपनी प्रेगनेंसी में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा। मेरी रिपोर्ट्स एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, आप यहाँ पर देख रहे होंगे नॉर्मल लिखा गया है सब कुछ, फिर भी पानी की कमी यहाँ पर देखिए 10 होना एटलीस्ट, यहाँ पर लेस देन आया है। यहाँ पर देखिए लिकोरिया क्वान्टिटी इज़ लेस, AFI 5 CMS, 5 है पानी की कमी, 5 है एटलीस्ट, 10 होना मुझे 5 था। तो एमरजेंसी में मुझे इमीडिएटली ऑन द स्पॉट एडमिट होना पड़ा बिकॉज ऑफ पानी की कमी, यानी बेबी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बेबी सर्वाइव नहीं कर सकता, नॉर्मल डिलीवर नहीं कर सकते। तो ब्ला 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 डॉक्टर ने कई सारे बातें बताकर डरा दिया, फिर ये देखिए ऑन द स्पॉट एडमिट होना पड़ा और विद इन आवर्स मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हो गई थी। यहाँ पर देख रहे होंगे पानी की कमी। तो आप जितनी भी मॉम से मेरे चैनल से जुड़ी हैं, नहीं जुड़ी हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ना करें, मगर मैं वीडियो बना रही हूँ सिर्फ ऑफ उन माओं की हेल्प के लिए जो सी सेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती। कई ऐसे फैमिली भी होंगी, मैं जज नहीं कर रही, अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर फिर भी उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स, कई फाइनेंशियली प्रॉब्लम, अनदर दूसरे दूसरे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो प्लीज़
उन सभी बहनों से, उन सभी माओं से रिक्वेस्ट है, दिल से कहें, प्रेगनेंसी में पानी ज़्यादा पीजिएगा और पानी वाले फ्रूट्स खाइएगा जिससे पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। मुझे डिहाइड्रेशन हुआ था, डॉक्टर ने कहा था पानी की कमी हुई थी। तो 9 मंथ में स्पाइसी मसालेदार फूड मत खाइएगा, स्पाइसी ज़्यादा मत खाइएगा, पानी ज़्यादा पीजिएगा, वॉक ज़्यादा कीजिएगा। तो मेरी गलती ये थी कि मैं थोड़ा स्पाइसी खाना ज़्यादा खा रही थी, बिकॉज ऑफ एंड ऑफ दी प्रेगनेंसी मुझे थोड़े मसालेदार चटपटा खाना बहुत पसंद आ रहा था, तो मैं डेली स्पाइसी 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 खा रही थी, जिससे कहीं ना कहीं मुझे डिहाइड्रेशन और गर्मी, हीट, मसाले वगैरह खाने से, पानी की कमी होने की वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो शायद मेरी तकदीर में यही था जो मुझे हुआ है। मैं उससे थोड़ा अपसेट होती हूँ, मगर फिर भी मैं अपने आप को कन्विंस कर लेती हूँ। तो जो भी बहनें नहीं अफोर्ड कर सक रही हैं या फिर सी सेक्शन से डरती हैं, तो उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि पानी अच्छा पीजिएगा, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी खाना खाइएगा, अच्छी वॉक करिएगा, इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी होगी। मेरी तो सबके हक में दुआ है और पॉजिटिव माइंडसेट से यही वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं स्कारो। तो सॉरी फॉर दिस गंदी ड्राइंग। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो कट है, ये वर्टिकल इंसेशन ये है जो स्ट्रेट है, नाभि है ये, नाभि के पास से जो है ये वर्टिकल इंसेशन कहा जाता है इसे। तो नेक्स्ट है ये, यहाँ पर देखिए पैंटी लाइन के ऊपर जो कट लगा है उसे कहा जाता हॉरिजॉन्टल इंसेशन। तो क्या मेरा ये था वर्टिकल था या हॉरिजॉन्टल था? तो मेरी दो सी सेक्शन है, दो बॉयज़ हैं, सी सेक्शन से हुए, दोनों बॉयज़ हैं, नॉर्मल डिलीवरी से हुई, मेरी गर्ल है। तो क्या मेरा वर्टिकल कट था या फिर हॉरिजॉन्टल था, क्या था और मुझे इस वक्त क्या पेन हो रहा है क्या नहीं, बिकॉज ठंडियाँ ज़ोरों की पड़ी हैं। तो बता दूँ मैं, मेरा जो कट था वो था हॉरिजॉन्टल कट था, ये था पैंटी लाइन पे कट है मुझे हॉरिजॉन्टल। तो इट्स फर्स्ट टाइम मुझे उतना ज़्यादा क्या नहीं फील हुआ, मुझे प्रॉपर रेस्ट मिला था तो शायद उसी वजह से मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ। मगर इस वक्त जब मेरी सेकेंड सी हुई थी तो मुझे सिर्फ 1 मंथ का ही रेस्ट मिला था, जिसकी वजह से मुझे अब सर्दियों में बहुत ज़्यादा शदीद पेन स्टिचेस में और बैक में, लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, अच्छा हेल्दी खाना नहीं खा पा रही हूँ, प्रॉपर सो नहीं पा रही हूँ। तो 3-3 बच्चों में तो रेस्ट मिलना इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज ऑफ 6 ईयर 3 ईयर फिर बोले तो 9 मंथ्स के एज के मेरे बच्चे हैं। तो उनमें स्कूल का काम, ट्यूशंस, हस्बैंड की जॉब, फिर ये छोटे बेबी, उनका फीड, तो नाइट में बार बार फीड लेते हैं वो, तो प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डल और इरिटेट और परेशान हूँ। तो आप सभी बहनों से मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ इसलिए कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मैंने फेस किया इस वक्त मैं फेस कर रही हूँ, वो आप ना फेस करें तो पॉजिटिव माइंडसेट लिए हुए हेल्पफुल नियत से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आएगी। पसंद आई तो इस वीडियो को फुल शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी मैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, अपनी प्रेगनेंसी इन्जॉय कीजिए, बड़ों की बातों को मानिए, जो भी कहते हैं उनकी सलाह हमारी बेहतरी के लिए होती है, इस बात को समझिए, वरना बाद में मेरी तरह आप पछताएंगे। मैं भी उस वक्त नहीं समझ पा रही थी मगर अब मुझे फील होता है। तो एहतियातन होती हैं बड़ों की बातें, तो बड़ों की बातों को मानिए, केयरफुल रहिए, प्रेगनेंसी इन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।